हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, जिसके बेसिस पे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। बट जो क्वेश्चन लोगों ने पूछा है वो क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक आप कह सकते हो छोटा सा कन्फ्यूजन है दिमाग में, है ना। तो हमें सबसे पहले तो आज इस वीडियो के माध्यम से, ज्ञानालय के माध्यम से, हमें बात करना है कि वेकेशन, ब्रेक और लीव में क्या अंतर है। वेकेशन, ब्रेक और लीव, आप कहाँ पे लीव के साथ वेकेशन को या ब्रेक को कंबाइन कर सकते हैं, है ना। आप वेकेशन और ब्रेक के आगे या पहले या बाद में छुट्टियाँ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, यानी लीव को जो कि है आप वेकेशन और ब्रेक के पहले या वेकेशन और ब्रेक के बाद में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और कहाँ पे ये वेकेशन या फिर जो आपकी आप कह सकते हो ब्रेक है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो जो की है कहाँ पे लीव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप जो की है छुट्टियां लेते हो वेकेशन या ब्रेक के पहले या बाद में। तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, आइए इन सारी चीज़ों को सिंपल बनाते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से, और इन सारी चीज़ों पे आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक डाउट को क्लियर कर दूं। देखिए, वेकेशन, ब्रेक ये आपको मिलता है अगर आप सरकारी कर्मचारी है। ईएमआरएस की ही मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में ही लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। अभी जो ब्रेक मिलने वाला है उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे, दो क्वेश्चन, एक तो मुझे कमेंट में ही है, आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, और एक जो कि है मुझे टेलीग्राम पे पूछा गया है। मुझसे ये पूछा गया, सेम ही चीज़ दोनों ने पूछा है, बट जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक ने पूछा है कि मैम क्या वेकेशन के साथ साथ हम अपनी लीव जोड़ सकते हैं, वेकेशन से कुछ दिन पहले अगर हम लीव ले ले तो क्या वो वेकेशन भी लीव में काउंट हो जाएगा। और दूसरे जिसने पूछा है मुझसे, उसने ये पूछा है कि मैम ब्रेक के पहले या बाद में अगर हम लीव ले लें तो क्या ये पूरी की पूरी ब्रेक जो है हमारी वही लीव बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वेकेशन है और आपका जो लीव है और ब्रेक है, इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए, वेकेशन या ब्रेक आपको, जब आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको वेकेशन या ब्रेक मिलता है ना। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप ईएमआरएस में पढ़ा रहे हो, स्पेसिफिकली मैं ईएमआरएस को ही स्टिक करती हूँ, अगर आप ईएमआरएस में पढ़ा रहे हो, आप स्टाफ हो वहाँ पे, है ना, और आप वेकेशनल स्टाफ हो, सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ। तो देखिए, आपको वेकेशन और ब्रेक मिलता है। अब वेकेशन क्या होता है? वेकेशन वो होता है जो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलता है ना। कहीं पे आप देखोगे जब सर्कुलर आता है तो वो कहते हैं कि हमने विंटर वेकेशन दिया है, हमने समर वेकेशन दिया है ना। जैसे बच्चों को स्कूल में छुट्टियां मिलती है तो हम कहते हैं समर वेकेशन है, वो मेरा बच्चा समर वेकेशन पे है ना, वेकेशन मिला हुआ है। तो वेकेशन क्या है? ये लॉन्ग टर्म है ना। वेकेशन क्या हुआ? लॉन्ग टर्म है, आपको वो काफी दिनों के लिए दिया जाता है ना। अब अगर आप बात करोगे इधर ब्रेक की, तो मैं ब्रेक पे आपको एक चीज़ फोकस आपका डालना चाहूँगी। आप खुद देखो, अभी जो अक्टूबर के समय जो दशहरे के लिए इन्होंने ब्रेक आपको दिया है, वो ब्रेक में ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो कि आपको 5 दिन का ब्रेक दिया है। ये अगर वर्ड चाहते जो सर्कुलर नेस्ट ने निकाला है वो यूज़ कर सकते थे ना, या जो लीव रूल बुक गाइडलाइंस है इनकी, अगर आप उसमें देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे ब्रेक मेंशन कर रखा है। ये कह सकते थे ना, हमने आपको वेकेशन दिया है, वेकेशन तो इन्होंने नहीं यूज़ किया ये, क्योंकि ये 5-5 दिन का जो है वो इन्होंने आपको ब्रेक ऑफर किया है ना। और लीव वो होता है जो आप लेते हो, आप मांगते हो कि मुझे जो कि इस पर्टिकुलर रीजन के लिए इतने दिनों की लीव चाहिए, है ना। हम कहते हैं कैजुअल लीव, हम कहते हैं अर्नड लीव, है ना। वो इसलिए लीव है क्योंकि वो हमने ले ली है, आप समझो इस चीज़ को प्लीज़। तो वेकेशन हुआ जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म छुट्टियाँ आपको ऑफर की जा रही हैं, ब्रेक हुआ जहाँ पे आपको एक कह सकते हो आप रिफ्रेशमेंट ब्रेक है, या फिर आप कह सकते हो कि एक सूदिंग रिलैक्सिंग टाइम आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और लीव वो हुआ जो आप किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए मांगते हो, दैट कैन बी एनीथिंग ऑन योर पार्ट, है ना। तो ये हो गया तीनों चीज। सबसे पहले तो कि वेकेशन दैट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय के लिए होता है, छुट्टियां लंबी होती है, ब्रेक में छुट्टियां छोटी होती है, और जो लीव है वो आप लेते हो कैजुअल लीव के फॉर्म में, अर्न लीव के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, वो आपका स्पेसिफिक रीजन होता है क्लेम करने के लिए। ठीक है, ये तीनों चीज मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं रूल बुक के बारे में जो कि ईएमआरएस ने इशू किया है। आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए वो दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, तो मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा वरना, है ना।
तो ये पूछा मुझसे ये गया है कि आप वेकेशन या आप ब्रेक के पहले या बाद में अगर लीव लोगे तो क्या आपका पूरा वेकेशन ही लीव बन जाएगा। और एक ने पूछा कि अगर हम ब्रेक के आगे या पहले या बाद में जो कि है लीव ले लें तो क्या वो मेरा पूरा ब्रेक ही लीव बन जाएगा। तो देखिए, ये मैं समझाना चाहूँगी, जो आपको वेकेशन ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, वो वेकेशन लॉन्ग टर्म है। अगर आप उसके एक दिन पहले, सपोज जैसे बहुत लोग करते हैं ना, वीकेंड पे क्या होता है, एक फ्राइडे आना पड़ रहा है ऑफिस या ऐसा कुछ है, तो हम फ्राइडे से ही छुट्टी ले लेते हैं, है ना। या फिर हम कहते हैं अरे मैं फ्राइडे को ही छुट्टी ले रहा हूँ, सैटरडे संडे दो दिन और हो जाएगा मेरे पास। तो ये ट्रिक जो लोग अपनाते हैं, है ना, वो आप ले सकते हो वेकेशन के समय। वेकेशन के अगर आप पहले या बाद में कभी भी लीव लेते हो, किसी स्पेसिफिक कॉज से है, आप वो आपका पर्सनल इशू है कि आप किस रीज़न से ले रहे हो। तो अगर आप वेकेशन के पहले या बाद में लीव लेते हो तो EMRS के रूल बुक में, जो लीव का रूल बुक है, उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस में ये इशू कर दिया गया है कि वेकेशन के पहले और बाद में ली हुई छुट्टियां आपके पार्ट से जो आप लेते हो वो पूरे के पूरे वेकेशन को लीव में कन्वर्ट नहीं करेंगी, तो आपकी सैलरी वहां नहीं कट रही है। आप ये चीज़ समझ लो, सैलरी का भी इशू है, मैं जानती हूँ आप कुछ क्वेश्चंस इस पे भी आएंगे, इसलिए मैं पहले ही यहाँ क्लैरिफाई कर दे रही हूँ कि वेकेशन में अगर आप एक दिन आगे एक दिन पीछे ऐसे लीव ले रहे हो, एक दिन या दो दिन, अगर मानो आपने वेकेशन आज से शुरू हुआ, आपने आज से ही आप वेकेशन पे गए, वेकेशन ख़त्म हो रहा है, मतलब सपोज पूरे मंथ एक मंथ का है 30 तारीख को, लेकिन आपने नेक्स्ट मंथ के 1-2 तारीख को ज्वाइन किया, तो मतलब कहने का मतलब है कि आपने वेकेशन पूरा लिया और लास्ट में 1-2 दिन की जो किया आपकी लीव थी, आपने वो भी जो कि लीव डाल दी कि 1-2 दिन और बढ़ जाए, तो 30 डेज का सपोज अगर वेकेशन था या 35 डेज का वेकेशन था, तो आपका वेकेशन जो कि है 37 डेज का हो गया या 32 डेज का हो गया, रिस्पेक्टिवली जैसा भी आपने छुट्टी लिया है, दो दिन आगे दो दिन पीछे, जैसे भी लीव आपको, मतलब लीव आपको लेने का मन था वेकेशन के बाद में आपने वो लिया। तो यहाँ पे ये होगा कि आपके वेकेशन को जो की है लीव में काउंट नहीं किया जाएगा और आपकी सैलरी डिडक्ट इसके कारण नहीं होगी, ठीक है। वो आपका कैजुअल लीव वेकेशन था, वेकेशन के बाद आपने CL लिया है 2 दिन का, ऐसा हो जाएगा, कैजुअल लीव है आपका 2 दिन का, है ना। अब अगर आप ब्रेक की बात करोगे तो ब्रेक में क्लियर कट आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 जो है लीव रूल बुक जो है आपका, आप वो देखोगे जब, उसमें क्लियर कट पॉइंट नंबर 1 में लिख दिया गया है कि आप लीव क्लेम कर सकते हो वेकेशन के साथ या किसी स्पेशल ब्रेक के साथ जो आपको ऑफर किया जा रहा है या किसी स्पेशल कैजुअल लीव के साथ, है ना, लेकिन आप वेकेशन या स्पेशल कैजुअल लीव को छोड़ के ब्रेक के साथ कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो अपने लीव को, क्योंकि ब्रेक के साथ अगर आप लीव को क्लेम करोगे तो वो ब्रेक जितने भी दिन का, सपोज 5 दिन का ब्रेक है, आपने उसके 1 दिन पहले लीव डाल दिया है, तो वो पूरा का पूरा 5 और +1 जो एक आपने लीव डाला था वो पूरा का पूरा 6 दिन आपके लीव में काउंट हो जाएगा, और उस हिसाब से अगर आपकी सैलरी कट रही होगी, कटते बन रही होगी, क्योंकि आपने एक नंबर ऑफ डेज जितने आपको लीव अलॉटेड है उससे ज़्यादा ले लिए हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी कट सकती है, है ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आप ब्रेक के साथ लीव नहीं ले सकते हो, आप वेकेशन के साथ या किसी स्पेशल कैजुअल लीव के साथ लीव डाल सकते हो, पहले लो या बाद में लो, आगे लो पीछे लो, जैसा आप लेना चाहो उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन ब्रेक के साथ आप लीव को अटैच नहीं कर सकते हो, कंबाइन नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़, सैलरी का भी इशू मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे, तो ये तो मैंने बता दिया, आप रूल बुक का जो पॉइंट नंबर 1 है वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि वेकेशन के साथ आप लीव कंबाइन नहीं कर, वेकेशन के साथ आप लीव कंबाइन कर सकते हो, सॉरी, है ना, वेकेशन के साथ आप लीव ले सकते हो, स्पेशल जो लीव आपको मिलती है स्पेशल अलॉटेड लीव्स के साथ भी आप लीव ले सकते हो, लेकिन ब्रेक के साथ आप लीव नहीं ले सकते हो। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे, और सैलरी ब्रेक के साथ अगर आप लीव लोगे तो वहाँ कट सकती है, लेकिन वेकेशन के साथ अगर आप लीव लेते हो या स्पेशल कैजुअल लीव मिली हुई है आपको, उसके साथ आप लीव ले रहे हो, कुछ स्पेशल लीव है आपके और उसमें आप कैजुअल लीव ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको आपकी सैलरी नहीं कटेगी। कुछ लोग LTC का पूछ रहे थे कि LTC क्या हम CL के साथ कभी क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 देखना आप रूल बुक का, वहाँ पे ये क्लियर कट लिखा है कि आप LTC जो कि है कैजुअल लीव के साथ ले सकते हो, लेकिन देखिए LTC के अलग
नियम है, अलग रूल्स उस पर चलते हैं, है ना, जो आपका ये जो आपका ट्रैवल लीव जो आपको दिया जाता है ना, ट्रैवल कंसेशन जो आपको दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो अलग एक स्कीम ही है, उस पर देखिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कभी। लेकिन एक शॉर्ट में मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 8 है रूल बुक का आपके, आप देखना जो लीव रूल बुक है उसमें गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि LTC आप ले सकते हो CL पे भी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है वेकेशन का, ब्रेक का एंड लीव का, ये मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप वेकेशन और लीव को कंबाइन कर सकते हो, स्पेशल लीव एंड आप अपने तरफ से लिए गए लीव को भी कंबाइन कर सकते हो जहां आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है, लेकिन आप ब्रेक के साथ लीव को कंबाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां आपकी सैलरी डिडक्ट होगी। और मैंने ये भी बता दिया कि आप CL के साथ CL में ही LTC अगर चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके नियम अलग होते हैं, उस पर मैं कभी फिर से सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय। प्लीज इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन आपको होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कन्फ्यूजन आपका रहा हो उसे जो किए हम बेस्ट तरीके से और बेस्ट रिजल्ट्स के साथ जो किए सॉल्व कर सके। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।